दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं रेणुकूट, और रेणुकूट आए हैं हिंडालको रेणुकूट। ये रहा सामने, तो हम हैं साथ में विवेक है, पीछे मम्मी और विकास। तो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, रेणुकूट हॉस्पिटल, क्योंकि दिखने में तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और हॉस्पिटल इसलिए मम्मी के थोड़ा सर में दर्द था, वही दिखाने आए हैं। देखते काफ़ी रखा भैया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। घर से 30 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ये हॉस्पिटल। हम लोग आए हैं रेणुकूट हॉस्पिटल, पहुँच के आपको दिखाते हैं। और जस्ट इसके पीछे एक मंदिर है, रेणुकेश्वर मंदिर, वहाँ का भी आपको सीन दिखाएंगे। रेणुकेश्वर मंदिर का भी अंदर पार्किंग था यार, अंदर तो पार्किंग था। तो ये रहा रेणुकूट हॉस्पिटल। दोस्तों अभी तो ब्लड टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट आएगी 5 बजे, और इसके बाद सीटी स्कैन होगा 5 बजे। तुम लोग कहीं पे वही जो सारा मूवी देखे थे, वेट करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे मूवी तो नहीं देखेंगे, भले से नहीं पठान ही लगी है। अरे यार, तो बगल में ही है हॉल, बट लगी वही है जो हम लोगों ने कल देखा था। सर देखिए, झूठी में मक्का, तो देखेंगे नहीं उसको, पैसा वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और भी किधर कहीं रुक जाएंगे, वेट कर लेंगे, बट वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, यहाँ से भी क्या है, ये हॉस्पिटल का लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है। अपने रेणु सागर से ये अलग हॉस्पिटल है, हिंडालको का ही हॉस्पिटल है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग है। हर चीज़ के डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है यहाँ पे सेक्शन। और रेणु सागर में तो एक ही काउंटर सारा चीज़ होता है, हर डिपार्टमेंट का जो भी सारा डिपार्टमेंट है एक ही काउंटर सारा काम हो जाता है। यहाँ हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काउंटर है। ये थोड़ा सा अभी हम लोग के लिए थोड़ा सर दर्द था, ये तो बार दौड़ना पड़ा था। तो ये रहा इसका पार्किंग, मतलब पार्किंग है ये, वेटिंग एरिया ये अच्छा है। ये हम लोग इसके कौन से फ्लोर पे हैं, हम लोग थर्ड फ्लोर पे हैं, ये हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पे हैं। इधर से नहीं आना यार, वहां से निकलना है, दिखा रहे हैं चल। हाँ, यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे शिव मंदिर शाम को खुलेगा, वो भी हो जाएगा। नागराज अभी हम लोग के पास टाइम था 4 घंटे का, तो हम लोग आ गए इंडियन कॉफी हाउस, रेणुकूट में भी है इसका ब्रांच। तो यहाँ पे कुछ लंच वगैरह करेंगे, और यहाँ पे भी वही मूवी लगा हुआ है जो हम लोगों ने कल देखा था, तो झूठी मैं मक्का, तो इसको देखेंगे नहीं। दूसरा कोई मूवी लगा था तो यहाँ देख लेते हैं, बट अब नहीं देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ चलते हैं कुछ लंच वगैरह करते हैं। तो ये रेणुकूट का हिल सिनेमा मॉल है, तो गाइस काफ़ी दिन बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इधर सीढ़ी है ना, इधर शुरू, हाँ। तो ये सब लिफ्ट ख़राब है गाइस, यहाँ की लिफ्ट ख़राब है। सामने हॉल है हिल सिनेमाज, बट जो मूवी लगी है, जो मूवी लगी उस लोगों को देखना नहीं है। और हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इसका फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे ICH। यहाँ पे कुछ लंच वगैरह करेंगे। चक्कर हुआ क्या, करता पेमेंट आया कि नहीं? हाँ आ गया गाइस, विवेक की एक बीमारी है, अगर खाने बैठता है तो जेठालाल का सीरियल जरूर देखता है, जहाँ भी रहे, चाहे घर पे रहे, चाहे किसी रेस्टोरेंट में रहे, जेठालाल को याद करते थे। एक्चुअल में जीजा जी आपको याद करता रहता है, सुजू जीजू आपको, ये सुंदर लाल आपको याद करता रहता है। घर पे भी रहेगा, चाहे कहीं भी रहेगा, किसी रेस्टोरेंट कहीं भी है, किसी ढाबे पे, ये इसका जेठालाल चालू ले जाता है, ये जेठालाल का बड़ा फैन है। तो हम लोग आ चुके हैं मंचाऊ सूप, आज मम्मी को पिलाएंगे हम लोग मंचाऊ सूप। और विवेक अपना ऐसा लगा हुआ जेठालाल में, अभी देखा भाई जेठालाल, नहीं वो नहीं, लोग खाते वक्त देखे और मजा आता है। दोस्तों 2-3 घंटा वेट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं रेणुकेश्वर मंदिर, क्योंकि 4 बज गया था, गेट खुल गया। 3 घंटा तो भाई हो ही गया, 3 घंटे ऊपर हो गया। और पीछे हम लोग के पीछे हॉस्पिटल है, और 5 बजे हम लोग हॉस्पिटल में काम है, तो हम लोग जा रहे हैं सीधे हॉस्पिटल सामने का रेणुकेश्वर मंदिर है जस्ट, तभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं रेणुकेश्वर मंदिर पे, क्योंकि आज तो पूरा दिन हम लोग का चला गया ऐसे ही। अच्छा, रेणुकेश्वर मंदिर दिखा देगी, दिखा देगा अभी नहीं, फर्स्ट ब्लॉग है रेणुकेश्वर मंदिर का, तो जस्ट इसके ऊपर है। देखिए अभी यहाँ से पैदल हम लोग को जाना है केदारनाथ के छोटे से, बोल सकते हो लाइट अच्छा लगता है, लेकिन मैं सेकंड टाइम मिला।
स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा है यहाँ का, जिस पत्थर से बना है दोस्तों बहुत अच्छा है। मार्बल बोल सकते, मार्बल टाइप है, वाइट वाइट। और अंदर में आपको एक से एक मूर्तियाँ दिखाऊंगा, आर्किटेक्चर इतना अच्छे से है। तो इसका मेन एंट्री गेट है रेड कृष्ण मंदिर का, जो भी बंद है, शाम के 4 बजे खुलने वाला टाइम है, देखिए खुलेगा कुछ टाइम में, 4 बजने वाला है। तो ये मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और दिन में 10:30 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम के 4 बजे खुलता है, रात 9 बजे बंद हो जाता है। तो मैं बता दूं, ये मंदिर आपको रेणुकूट हिंडाल्को पावर प्लांट के जस्ट सामने है। तो दोस्तों यहाँ जूता रखने का स्थल है और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है जूता और चप्पल रखने का, और आप स्वेच्छा अनुसार यहाँ एक दादा रहते हैं, उनको कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं उनका कोई प्रेशर रहता नहीं हमको इतना चाहिए, आप स्वेच्छा अनुसार जो भी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सूर्य भगवान की मूर्ति, कितने घोड़े इसमें, 3, 3, 6, 7 घोड़े, तो इनकी पूरी रथ, इनकी सेना। और ये रहा हनुमान जी, डरते हैं हनुमान जी से ऊपर जाने का सीढ़ी, हनुमान जी डरते हैं, कौन डरता है, अच्छा हाँ निकल गए थे ना उनके भय में रहते हैं। तो ये छोटे शंकर भगवान जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे, या ये इसके ऊपर बड़े नंदी जी और भोलेनाथ जी की मूर्ति है, बहुत ऊपर धूप की वजह से देखते हैं, अभी अभी गेट नहीं खुला होगा, बट हम लोग चल रहे हैं अभी, देखते हैं। और इधर कुछ अभी गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं पार्क में, हम लोग ऊपर चलते हैं अभी। तो ये रहा ऊपर का, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने नंदी जी हैं, विशाल का है नंदी जी, खुला तो है भैया, गेट खुल गया है। तो गाइज गेट खुल चुका है मंदिर का। तो ये देखिए बड़े से नंदी हमारे, इधर हैं हमारे हमारे महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है मंदिर का, आप केदारनाथ की तरह जैसा लगता है स्ट्रक्चर है थोड़ा मोड़ा, और काफी अच्छा है ये मंदिर के जस्ट परिसर के बगल में पार्क है। तो मैं अभी दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर, और इसके जस्ट पीछे दिखाता हूँ क्या है आपको। अभी शाम जैसे शाम होगा वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी यहाँ पे। ये रेणुकूट में है रेणुकेश्वर मंदिर, मैं थोड़ा दूर होकर आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मंदिर का। ये मंदिर के अपोजिट साइड का है ये पूरा कॉलोनी रेणु सागर का, अरे सॉरी रेणुकूट का ये कैंपस है पूरा, हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं अभी, अच्छा इसके पीछे पूरा पहाड़, ऐसा कुछ जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इस मंदिर के प्रांगण से आपको रेणुकूट का जो एल्युमिनियम प्लांट है मैं वहां से दिखाता हूं आपको। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये रेणुकूट का एल्युमिनियम प्लांट है, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। तो देख सकते हैं आप ये पूरा प्लांट है, और ये रेणुकूट का पूरा कैंपस है, ये आपका वाराणसी और शक्तिनगर मार्ग के बीच में ही पड़ता है सेंटर में प्लांट, तो वहां से आप अंदर आ सकते हैं मंदिर में घूमने के लिए।
गाइस, यहाँ ठंडा पाके देखिए दोनों सो गए हैं यहाँ पे। कैसे सो क्योंकि हम लोग का काम 5 बजे का, अभी हम लोग हॉस्पिटल जाना है 5 बजे, और ये सब आके यहाँ पे ठंडा पाके सो गए। तो गाइस सनसेट होकर दिखा रहे हैं आपको फोटो, सनसेट का व्यू। तो ये रहा सनसेट व्यू। ये रहे नंदी जी, तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए क्योंकि टाइम हो गया है, 5 बजने वाला है और हम लोग निकल रहे हैं टाइम। तो ये रहा व्यू। टाइम पास करना भी इतना मुश्किल हो जाता है सबका, कोई भी टाइम पास करना। तो गाइज अगेन हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल, और 5 घंटे बर्बाद हो गए। फाइनली हम लोग टोटल 5 घंटा बर्बाद हुआ है और घंटा को हॉस्पिटल। मम्मी गई है अपना टेस्ट रिपोर्ट लेने, और यहाँ से फटाफट काम करके निकलेंगे क्योंकि अंधेरा भी हो जाएगा और दूर हम लोग को जाना। तो ये रहा ब्लड बैंक एंड लैब, हम लोग यहीं से रिपोर्ट लेना है। उनका काम हो गया, बस रिपोर्ट लेना बाकी है, और हमारा फ़ोन भी ऑफ होने वाला है तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं अब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और फ़ोन कभी भी ऑफ हो सकता है, तो ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।